उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नितिन चौधरी, इन्होंने ओबीसी का कॉलम में जनगणना जाति में शामिल किया जाए ऐसी पिटीशन दायर की थी, किंतु 10 साल बाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब जनगणना का मामला राज्य सरकार के पास आया है, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के संयोजक नितिन चौधरी इन्होंने दी है। जनगणना में ओबीसी कॉलम को किया जाए, इस बात को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के संयोजक नितिन चौधरी, इन्होंने उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में एक पिटीशन दायर की थी, लेकिन 10 वर्ष के बाद कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब जनगणना में ओबीसी कॉलम को लेने का काम राज्य सरकार का है। इस बात को लेकर तिलक पत्रकार भवन में राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा द्वारा पत्र परिषद ली गई। उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में पिटीशन खारिज किए जाने पर मुख्य संयोजक नितिन चौधरी ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और नई पिटीशन दायर करेंगे, ऐसी जानकारी उन्होंने पत्रकारों को दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी विद्यार्थियों के जीवन संवर्धन के लिए भी गुहार लगाएंगे। यदि एमपीएससी के एग्जाम की आगे की तारीख में ली जाती है तो ओबीसी विद्यार्थियों की उम्र काल मर्यादा भी बढ़ाना चाहिए। ओबीसी संशोधन कार्यकारिणी शिष्यवृत्ति योजना पर अमल हो, साथ ही विद्यार्थियों का वसति गृह कहाँ बनाया है वो सरकार बताए, या अलग सुचारू ढंग से व्यवस्था सरकार करे, आदि बातें उन्होंने पत्र परिषद के दरमियान कही। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नितिन चौधरी हमारे साथ में आइए, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी उन्होंने जो पिटीशन दायर की थी वो आखिरकार हाईकोर्ट ने क्यों उसको खारिज किया है। क्या कहना चाहते हैं नितिन जी, जिस प्रकार से आपको जो 10 साल 7 महीने और 20 दिन का जो समय लगा, काफ़ी लंबा समय था, ऐसे में क्या कहना चाहते हैं जो आपके पिटीशन को जो दायर किया था उसको खारिज किया? देखिए, बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनेकों दावे के साथ में आपके सामने आ रही थी कि ओबीसी के आरक्षण का बुनियाद क्या है, और वो बुनियाद 1931 के जनगणना की बुनियाद रही है, उसकी जनसंख्या की बुनियाद रही है, उसको लेकर सवाल उठते रहे, और उसको लेकर फिर सवाल उठे तो फिर जानकारी मिलेगी कहाँ से कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, सामाजिक आर्थिक उसकी हालत क्या है। तो उसके लिए हमने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी जनगणना होगी उस जनगणना में ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए, वो बात हमने चढ़ाई। आपको सभी को मालूम होगा कि 2010 में उस तत्कालीन सरकार ने, केंद्र सरकार ने माना और लोकसभा में ये बात मानी कि आने वाली जो जनगणना 2011 की होगी उसमें जाति जनगणना होगी और उसके तहत ओबीसी की जनगणना भी वो की जाएगी। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अब सवाल है कि जनगणना तो हुई लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं बाहर आई, फिर हमने कहा, हमें फिर कोर्ट में चले गए हम 2010 में, 16/4/2010 के बाद में हम कोर्ट चले गए माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में, और उसके बाद में 2010 से लेकर तो 31 दिसंबर 2020 तक ये याचिका चलती रही, करीबन 10 साल 7 माह और करीबन 20 दिन यह याचिका चलती रही, 5 बार इसकी सुनावनी हुई, और सुनावनी में आखिरकार माननीय न्यायालय ने ये कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी तय करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की अगर ये जिम्मेदारी है तो हम सरकार को दिशा निर्देश करने के लिए भविष्य में क्या आंदोलन छेड़ने वाले, ये मेरा सवाल है, ये जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, तो उसको लेकर फिर ये हमारी याचिका खारिज होने के पश्चात हम लोग ने तय किया कि हम लोग अभी इसके बाद में इसके ऊपर में न्याय मांगने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, उसके सामने बात रखेंगे, साथ साथ में ये मांग करेंगे हम लोग कि ये बात अगर सरकार के कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और सरकार, ये सरकार का मसला है, सरकार ने इसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट अभी सरकार के पाले में है, और अब हम सरकार, राज्य सरकार से दरखास्त करेंगे, केंद्र सरकार करे ना करे, जनगणना जो प्रक्रिया उसमें है, जनगणना में जाति जनगणना हो, ओबीसी की जनगणना हो न हो, लेकिन हमारे राज्य सरकार के हमारे कहना है कि आप करो, आपके राज्य में पॉलिसी बनाओ कि आने वाले दिनों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ओबीसी का स्वतंत्र रूप से किया जाएगा,
और उसके लिए राज्य सरकार अपना एक पॉलिसी बनाए, कानून बनाए और मंत्रिमंडल में उसका निर्णय लेके आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के जो डिमांड हो रही है महाराष्ट्र में ओबीसी की तरफ से कि जनगणना होनी चाहिए, हमारी जनगणना होनी चाहिए, तो राज्य सरकार ये जिम्मेदारी तय करे और ले और आने वाले दिनों में राज्य सरकार ओबीसी की जनगणना अपने ताकत पे अपने बुनियाद पर महाराष्ट्र में की करे। ये आह्वान हम लोग इस पत्रकार परिषद के माध्यम से राज्य सरकार की ओर करने जा। तो आप थे नितिन चौधरी, जिन्होंने बखुअर बेबा के साथ बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ओबीसी मुक्ति मोर्चा के तहत उन्होंने कई बार ये जो ध्यान है सरकार के और खींचा है, मगर अफसोस के सरकार के कानों पे अब तक की जू नहीं रेंगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ओबीसी का होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखना ये होगा कि सरकार क्या स्टैंड लेती है और राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के ये तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं वो इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ओबीसी दिन ब दिन आंदोलन करते जा रहा है लेकिन अभी भी उसे न्याय नहीं मिला है। अब उन्हें न्याय कब मिलेगा, इस प्रतीक्षा में तमाम महाराष्ट्रवासी इंतजार कर रहे हैं। संजय मीरे, NBC News, नागपुर।